प्राची साहित्य समाज वार्षिक महोत्सव श्रीरामचंद भवन में अनुषित हो अधिकार साहित्य और गांधीवाद शीर्षक आलोचन अंशग्रहण कर वक्ता माने सांप्रतिक समय गांधी दर्शन आवश्यकता संपर्क में आलोकपात करते सभा सभापतित्व कर डॉक्टर पावक कानून समाज सेवे साहित्यर अवदान को विश्लेषण करते उद्घाटक रूपे डॉक्टर खारवेल महांती मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर श्यामामणि देवी योगदान करी अधिकार साहित्य और गांधीवाद भूमिका संपर्क में विशद आलोचना करते सहसंपादक डॉक्टर नीरज कुमार मंत्री विवरणी पाठ और स्वागत भाषण देता बेले अतिथि मानक आह्वान करने परिचय प्रदान करते विश्वमित्रा मिश्र प्रतिष्ठाता आंतर्जातिक ख्याति संपन्न साहित्यिक जयंत महापात्र शुभेच्छा वार्ता राकेश कुमार संपत्ति पाठ करते सभा कृष्ण महांती को प्राची समाजसेवी सम्मान देवराज लेंका और नफिस मन्नर हसन प्राची साहित्य सम्मान शेखर घोष और अश्रुमोचन महांती को प्राची कला सम्मान प्रदान करा रामेश्वरी साहू मानपत्र पाठन करते शेषे डॉक्टर दीपक कुमार दास धन्यवाद अर्पण करते सभा को बिंदुसागर ओझा संतोष कुमार पाल राजेन्द्र बारिक अनिल दास विक्रम बारिक तनुश्री बारिक प्रदीप कुमार सामल प्रीतिश कुमार नायक और देवेश रंजन चैनी परिचालना करते मीरा बेहर संयोजन कविता पाठोत्सव अनुष्ठित होता कवि प्रसन्न कुमार स्वाई सांत्वना कुमारी महांती गीतांजलि नायक बबिता दास महापात्र अश्विनी कुमार सेठी अन्नपूर्णा साहू डॉक्टर बसंत कुमारी नंद कवि लक्ष्मी छड़ा स्नेहलता द्विवेदी सविता दास कुनलता त्रिपाठी सुभाष चंद्र द्विवेदी योगदान कर सुरक्षित कविता पाठना करते जी कंट्राक्ट करुच्ची जी बाहर चाकरी करा पे इंग्लीश मीडियम पढ़ाऊँ पढ़ू कितु जी सरकारी चाकरी कराने बाहर कौट पढ़े पारे नहीं सरकारी स्कूल पढ़ाक बाध्य कौन होता आम सब प्रत्येक दिन कौन पढ़ाला देखिपारते सार मान तागिद करते जगी पारते आम पिला केत बाट गला आम बदली जाता एमती है कौन आम मास्टर ना बोली केत कहते ओडिया स्कूल मास्टर भल ना से आम पढ़ेलु सियाड़े ओडिया मास्टर कहीं ना तो सी भोट गणती करेंगे सी केत आसवे बालाट पेपर बांटे सी केत कौन करेंगे रोसे करेंगे केते कथा करेंगे तो समय कहीं पाठ पढ़ा एमती कथ भी लोक मैंने कौन से पीला को आम इंग्लीश मीडियम दे दूचु सरस्वती शिशु मंदिर पढ़े दूचु एमती कर तो तेणु ये गोटे बड़ कथा होती आपम आपण द्वारा जदि सरकार कान में से कथा पढ़ता जे ना जो मैंने सरकारी चाकरी कर पाने पक्ष पढ़े सरकारी स्कूल तेल पर आसंता निश्चित भाव मु श्यामामणि देवी कहि प्राची साहित्य संसद प्रति वर्ष विभिन्न व्यक्तित्व मानक दि जा दिगला ये प्राची साहित्य संसद माध्यम रे आम ओडिशार बहु विशिष्ट व्यक्तित्व मान सहित परिचित सान्निध्य पाचु तक मन ठूँ द्विपद कथा शुणवार सुजोग पाचु तेणु मु प्रभु को प्रार्थना करी ये प्राची साहित्य संसद आहरी आग को जाऊ एवं एमती प्रति वर्ष गोटे गोटे सभा समिति माध्यम रे समस्त को किसी कथा बामती महात्मा गांधी विषय हो जेकोसी आम साहित्य सच्चा विषय हो कलाकार विषय हो जहाँ भी हो संस्कृति साहित्य आमर ओडियात्व आमर ओडिशार मौलिकता ये सबू केमती भाव बंची रहिबो एवं आमे पाश्चात्य संस्कृति प्रति आकृष्ट हवा ना आमर परवर्ती पीढ़ी नहेबे निजर संस्कृति मौलिकता को बचे रखा चेष्टा करेंगे से प्रचेषा ये प्राची साहित्य संसद माध्यम हो इच्छा मु प्रोफेसर डॉक्टर खारवेल महांती आसती आज गांधी विचार गांधी साहित्य आम समस्त संग्रामी गांधी विषय जानते साहित्य गांधी विषय कहीं बहुत कम जानते कितना जो साहित्य जो से आमको उद्बुद्ध करुँच जो चेतना दूसरी से विषय में बर्तमान युवपीढ़ी पूरा अवगत होगा दरकार जे चिंताधाराटा उन्नत केमी ऑप्टिमिज्म जहाँ को कहते एंड निजर अधिकार सामने सामने कर ह्यूमन राइट्स कथा क्या चिंताधारा हूँ सारा विश्व साहित्य संस्कृति साहित्य संस्कृति जड़ित केमी समाज प्रति प्रभाव साहित्य और संस्कृति कहीं साहित्य हूँ समाज गोटे दर्पण साहित्य
ଯାହା କହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପାଠକ ଆଉ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସମାଜ। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ କେମିତି ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଇ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେତେ ସେଥିରୁ ବୁଝୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନିରୋଜ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ନୀଳମାଧବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଲ୍ଲିଟିଲୋ। ଆମର ଏ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2015 ମସିହାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। ଆମ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବିଭୁଦତ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୀପକ ସାର, ଖାସ୍ କଲେଜର ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଦେବାୟର ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରାଚୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2019 ମସିହାରେ ISSN ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ UGC ଜର୍ନାଲ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ମାଗାଜିନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଭଳି UGC ଜର୍ନାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ UGC ଜର୍ନାଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ହେବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଜୀବନ କଟେଇବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର କ'ଣ ପରମ କାମ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ। ରିପୋର୍ଟ SP।